हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रसाद और आप सबका स्वागत है एक नए एपिसोड में अपने चैनल पे जिसका नाम है प्रसाद मोडुला। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग थोड़ी अलग बात करने वाले हैं। ये बातें राइडिंग के बारे में तो है, लेकिन बाइक्स के बारे में नहीं है। तो अभी आप सब जानते ही है कि जून महीने से अनलॉक 1.0 स्टार्ट हो गया है, मतलब लॉकडाउन के जो नियम थे उनमें कई सारी शिथिलताएं दे दी गई है और आप घर से बाहर निकल सकते हैं, अपने ऑफिसर्स जा सकते हैं, कई सारे ऑफिसर्स जो है अभी चालू हो गए। हाँ, हालांकि अभी तक हमें राइड्स करने की या ट्रैवल करने की, लंबी दूरी जाने की परमिशन नहीं मिली है, लेकिन फिर भी आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो डेली कम्यूट के लिए या फिर ऑफिस जाने के लिए बाइक्स का इस्तेमाल करते रहेंगे, क्योंकि अभी तक सारी जगह पे ट्रेन्स वगैरह तो चालू हुई नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ बसेस चालू हुई है और बसेस में भी हार्डली सीट टू सीट पर्सन है वो अलाउड है, मतलब दो सीट भी है एक जगह पे तो भी वहां पे एक ही पर्सन सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए एक ही पर्सन बैठ सकता है। तो ऐसे समय में बाइक से ही आप लोग ज्यादा ट्रैवल करना पसंद कर रहे हो, जिनके पास भी बाइक है। तो ऐसे समय में बाइक से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी अनलॉक हो रहा है, लेकिन कोरोना का जो प्रभाव है वो अभी तक कम नहीं हुआ है। तो ट्रैवल करते वक्त कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स है जो हम लोग ले सकते हैं ताकि हम लोग कोरोना वायरस से बचे रहें, तो उन्हीं प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। उसके लिए मैंने थोड़ा रिसर्च किया है, मैं खुद इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ जब भी मैं बाहर काम के लिए जाता हूँ कुछ भी, तो वो मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। ऐसे नहीं है कि यही जो प्रिवेंटिव मेजर्स है उनसे ही आप बचे रहेंगे, इसके अलावा भी कुछ एडिशनल रह सकते हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल करिए, लेकिन जो बेसिक है उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आता है, जब भी आप घर से बाहर निकले तो एक चीज कभी ना भूले, वो है मास्क। अपना मास्क हमेशा पहने रखें, घर से कहीं भी जा रहे हो, नियर बाय भी जा रहे हो, तो मास्क का इस्तेमाल करिए ही करिए। मास्क के साथ साथ हेलमेट पहन लीजिए। हेलमेट इसलिए क्योंकि नजदीक में जाते वक्त कई लोग हैं जो हेलमेट पहनना पसंद नहीं करते, लेकिन हेलमेट जैसा अच्छा शील्ड कोई नहीं हो सकता। हेलमेट पहनिए, वाइजर बंद रखिए, तो मास्क के साथ साथ आपको डबल प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि हेलमेट वाइजर से कोई भी वायरस का आपके मुंह तक पहुंचना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। तो एक अच्छा प्रोटेक्शन आपको एक हेलमेट देगा। तो ये तो हो गई फेस प्रोटेक्शन के बारे में। उसके साथ साथ हमेशा सैनिटाइजर कैरी कीजिए। अभी सैनिटाइजर सिर्फ अपने हाथों को क्लीन करने के लिए नहीं, अगर आपकी बाइक जो है, आपका अगर पर्सनल पार्किंग नहीं है, आप अगर पब्लिक पार्किंग में अपनी बाइक को पार्क करते हैं, तो न जाने कई लोग उसके ऊपर हाथ लगाते रहेंगे, कोई बैठता रहेगा, तो ऐसे समय में उसमें से कोई अगर COVID-19 पॉजिटिव रहा तो आपको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे समय में जो कॉमन टच पॉइंट्स है बाइक के ऊपर, जिनको हम रेगुलरली छूते हैं गाड़ी चलाते हुए, तो उनको सैनिटाइज करना जरूरी है। तो मैं अपने साथ तो एक स्प्रे बॉटल कैरी करता हूँ, आप नॉर्मल जो सैनिटाइजर आता है उसको भी कैरी कर सकते हैं, और एक टिश्यू कैरी कीजिए। तो जब भी आप पब्लिक पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाले, तो गाड़ी पे बैठने से पहले सबसे पहले गाड़ी के जो हैंडल बार्स है वहां पे आपका ग्रिप हो गया दोनों तरफ का, लीवर्स हो गए हैं, जहां पे हम लोग की लगाते हैं वो की, इग्निशन की का जो एरिया है वहां पे सैनिटाइज कर लीजिए, टैंक को सैनिटाइज कीजिए, सीट्स को, पीछे ग्रैबरल्स को, तो ऐसी जो कॉमन टच पॉइंट की जगह है वहां पे आप सैनिटाइज करके ले लीजिए। मैं डायरेक्टली स्प्रे यूज करता हूँ तो काफी आसानी हो जाती है, तो ये भी चीज का ध्यान रखें। और उसके साथ और एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप सैनिटाइज करेंगे, गाड़ी आपकी ठंडी हो, गर्म गाड़ी पे कभी भी सैनिटाइजर का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि सैनिटाइजर में जो अल्कोहल होता है वो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, तो उस वजह से आग पकड़ने के चांसेस ज्यादा है। तो हमेशा जब भी आप पार्किंग से निकाल रहे हो, बहुत टाइम से अगर गाड़ी आपकी खड़ी है, तो उसके बाद निकालते समय आपको सैनिटाइज करना है, और सैनिटाइजर को कभी भी गाड़ी के डिक्की में या गाड़ी के सीट के नीचे मत रखिए, क्योंकि धूप से या फिर जो हीट जनरेट होती है धूप की वजह से, तो उससे वो आग पकड़ने के चांसेस ज्यादा है, और ऐसे केसेस हो चुके हैं। तो इसलिए सैनिटाइजर अपने बैग में कैरी कीजिए और अपने साथ ऑफिस में वगैरह लेके जाइए। तो ये हो गई सैनिटाइजर की बात। उसके बाद आती है और एक प्रिवेंटिव मेजर्स, अगर आप यूज कर सके तो कीजिए, बाइकिंग ग्लोव्स है वो तो इस्तेमाल कीजिए, बाइकिंग ग्लोव्स नहीं है तो 10 या 20 रुपए में आपको सर्जिकल ग्लोव्स मिल जाएंगे मेडिकल में किसी पे भी, तो वो सर्जिकल यूज कीजिए। उससे क्या होगा, आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा किसी भी चीज से, तो जब भी आप सर्जिकल ग्लोव्स बाहर घर से बाहर अगर आप यूज कर रहे हो तो सर्जिकल ग्लोव्स यूज कीजिए, ऑफिस में या फिर घर पे पहुंचने के बाद ग्लोव्स को उतार लीजिए, उसको सैनिटाइज कर लीजिए और दूसरे दिन के लिए आप उसको वापस से इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आती है कि फ्यूलिंग वगैरह करने के लिए आप रुक रहे हो या फिर ट्रैफिक में रुके हो, तो मेक श्योर कि आप 1 या 1.5 मीटर ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करिए अपने साथ वाले किसी भी पर्सन के में। ट्रैफिक में है तो कार अगर बाजू में है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन अगर आप फेलो बाइकर वगैरह आपके साथ में खड़े या पेट्रोल भरवाने जाते तो पीछे या आगे बाइकर्स रहेंगे, पेट्रोल भरवाने वाला पर्सन रहेगा, तो 1 से 1.5 मीटर का डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करें हमेशा। पेट्रोल भरते वक्त हमको आदत रहती है कि हम लोग बाइक पे ही बैठे रहते हैं, तो बाइक से उतरिए और डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। फ्यूलिंग का जब हम लोग कैश वगैरह देते हैं तो मैक्सिमम कार्ड, टच कार्ड जो आजकल मिल रहे हैं वो यूज़ कीजिए, वो नहीं है आपके पास तो स्वाइप करके कार्ड यूज़ कर सकते हैं, कार्ड को सैनिटाइज कीजिए, वापस रख दीजिए, वो भी नहीं है तो एक काम कीजिए कि आप अगर आप पेट्रोल भर रहे हैं, पहले हम लोग को आदत थी कि 205, 210 ऐसे ही इस्तेमाल करते थे, तो अगर आपको 200 रुपये देने तो 200 रुपये कैश घर से ही कैरी करके लेके जाइए, जो आपको रिटर्न उससे कुछ भी छुट्टा पैसा लेने की जरूरत ना पड़े, तो जितना कैश आप दे रहे हैं वो उनके पास ही रहे, आपके पास वायरस का इन्फेक्शन आने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। और साथ में हेलमेट का जो वाइजर है वो फ्यूलिंग करते वक्त बंद रखने के कई सारे रीजन है, लेकिन अभी ये एक और एडिशन हो गया है, कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो ना हो इसके लिए अपने हेलमेट का वाइजर जो है वो हमेशा बंद रखिए। तो अभी आपने देख लिया कि हम लोग को क्या क्या मेजरमेंट्स लेने हैं बाइक पर ट्रैवल करते वक्त या ट्रैवल करने से पहले। उसके साथ जब भी आप ऑफिस में पहुंचे तो ऑफिस में जाते ही पहले अपने ग्लोव्स उतार लीजिए, ग्लोव्स नहीं पहने हैं तो तुरंत जाइए, ग्लोव्स पहने हैं तो भी जाइए, और अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धो लीजिए। तो इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कई ऑफिसेज में साबुन वगैरह अवेलेबल नहीं होता, तो अपने कैरी बैग में जो हम लोग बैग कैरी करते हैं, बैक पैक रहेगा या फिर स्लिंग बैग रहेगा, अब जो भी बैग कैरी कर रहे हैं तो उसमें 3 चीजें हमेशा कैरी कीजिए, एक तो सैनिटाइजर हो गया, दूसरी चीज है एक एक्स्ट्रा मास्क कैरी कीजिए, क्योंकि जो मास्क हम लोग ट्रैवल जाते वक्त मतलब घर से ऑफिस जाते वक्त यूज कर रहे हैं उसको साइड में रख दीजिए, और आते वक्त दूसरा मास्क यूज कीजिए। और तीसरी चीज जो है वो है सोप, क्योंकि ऑफिस में सोप होने के चांसेस बहुत कम है, हर ऑफिस में नहीं होता, अपना सोप खुद कैरी कीजिए जिससे आप हैंड वॉश कर सके। लिक्विड सोप कैरी करना आसान रहेगा, एक छोटी सी कोई भी बॉटल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा सोप भर के ले लीजिए, ऑफिस में जाके वही सोप से हाथ वगैरह प्रॉपरली क्लीन कीजिए। ऑफिस में भी खाना खाने से पहले, जब भी आप कुछ कॉफी वगैरह लेने जा रहे हैं तो उस समय पे, और हाँ याद रखिए आप जब भी ऑफिस जा रहे हो तो अपने साथ अपना खुद का पानी बॉटल कैरी कीजिए, टिफिन कैरी कीजिए। बाहर का खाना इस वक्त पे तो बहुत ही गलत बात होगी, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो मेरी मानिए तो अपना खाना और पानी साथ में कैरी कर लीजिए। तो ये हो गई ऑफिस में जाते वक्त की बात है। ऑफिस से आते वक्त आपको सेम चीजें फॉलो करनी है, अगर पब्लिक पार्किंग में आपकी गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी को सैनिटाइज कर लीजिए पहले, गाड़ी ठंडी हो तो ही, इंजन के ऊपर वैसे भी हमें सैनिटाइज करना नहीं है, लेकिन फिर भी एक केयर करके मैं आपको बोल रहा हूँ कि गर्म गाड़ी पे कभी भी सैनिटाइजर का इस्तेमाल मत कीजिए, तो सैनिटाइज कर लीजिए। उसके बाद घर पे आ रहे हैं तो हमेशा अपनी हेलमेट की शील्ड जो है उसको बंद रखिए, ग्लोव्स अगर आपके पास बाइकिंग ग्लोव्स है तो इस्तेमाल कीजिए, काफी अच्छा है, आपको उससे काफी हेल्प भी मिलेगी, गिरने के बाद भी आपको बाइकिंग ग्लोव्स आपको बचाएंगे, और कोविड की बात करें तो आपको इन्फेक्शन से भी बचाएगा। उसके बाद अभी मेन टास्क आता है, हम लोग जब घर पे पहुंचते थे तो बाहर जितना हम लोग ने केयर किया उससे कहीं ज्यादा हमें घर पे आने के बाद हमें केयर करना है, तो अभी क्या केयर करना है, घर पे आते ही तुरंत हमेशा अपने शूज वगैरह जो है वो घर से बाहर निकालिए, वो तो पहली बात आपको करनी ही है, शूज बाहर रखिए, घर के अंदर आने के बाद किसी भी चीज को मत छूए, आपका जो बैग वगैरह है वो एक कोने में रख दीजिए दरवाजे के नजदीक ही, और घर वालों को बोल दीजिए कि वहां पे बच्चों को या कोई आपके पास पेट वगैरह रहे तो उनको वो सामान के पास जाने मत दीजिए, आप तुरंत अपने जो भी कपड़े पहने उनके साथ ही डायरेक्टली वॉशरूम में जाए, नहा लीजिए, क्योंकि आप दिन भर बाहर रहेंगे ऑफिस के काम से, तो नहा लीजिए प्रॉपरली, अपने कपड़े वगैरह उसको साबुन के पानी में डाल दीजिए सोक करने के लिए, तो 20-25 मिनट वो सोक हो जाएंगे, उसके बाद उसको वॉश कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप खुद नहा लेंगे तो कोई भी वायरस कंटेमिनेंट की आपको आशाएं नहीं रहेंगी, तो इससे होगा क्या कि अगर आपके घर के बच्चे वगैरह हैं तो उनको आपके वजह से इन्फेक्शन होने का धोखा जो है वो 99% टल जाएगा, तो इसलिए आने के बाद खुद को सैनिटाइज करना, मतलब खुद नहा लेना जितना जरूरी है। उसके साथ और एक चीज करना है कि जो भी सामान आपने बाहर लेके जाते वक्त कैरी किया है उन सबको सैनिटाइज कर लीजिए, घर पे आने के बाद सैनिटाइज करना जरूरी है, ताकि गलती से भी कोई अगर वो सामान को छूता है तो उसको अगर उसके ऊपर कंटेमिनेट रहेगा तो किसी और को इन्फेक्शन ना हो, तो काफी मतलब दिक्कत भरी रहेंगी हर बार अपने आप को सैनिटाइज करना, हर चीज को सैनिटाइज करना, लेकिन फिर भी हमें इस चीज इन सब चीजों की जो है वो अभी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो सब चल रहा है कोविड का जो भी चल रहा है, तो ये पैंडेमिक में अपने को खुद को बचाना जरूरी है,
क्योंकि एक बार इन्फेक्शन हो गया तो 14 दिन क्वारंटाइन रहो, उसमें भी जान जाने की मतलब बोल नहीं सकते किसके साथ क्या हो जाएगा। खुदा ना खास्ता इन्फेक्शन हो गया तो मुझे पता है कि कितनी तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि सारी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखें बाइक चलाते वक्त भी, और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी है। अभी इसमें मैं ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बता नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी मास्क, सैनिटाइजर, ग्लोव्स, ये सब चीज़ें कंपलसरी कैरी कीजिए। तो इनसे हम लोग 99.9% बोलते हैं कि हम लोग इन सब चीज़ों से वायरस के इन्फेक्शन को बचा सकते हैं। और हाँ, इन एडिशन में आप सबको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि कोई नहीं बताता कि हम लोग ग्लासेस वगैरह पहने, लेकिन आंखों से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर आपके पास किसी भी तरह के ग्लासेस है तो ट्राई कीजिए कि ग्लासेस पहन लीजिए। सेफ्टी ग्लासेस जो मिलते हैं मार्केट में वो अगर हैं तो काफ़ी अच्छे रहेंगे, वो 150-200 रुपये में आ जाते हैं, तो वो पहन लीजिए। वो पूरी तरह से आंखों को कवर करते हैं। अगर वो नहीं है तो नॉर्मल सनग्लासेस या फिर आपके जो नंबर वाले ग्लासेस रहते हैं उनसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ग्लासेस रहेंगे तो एक एड ऑन प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। ये मतलब किसी ने बताया नहीं है, ये मेरी तरफ से एक एडिशनल मैं आपको टिप दे रहा हूँ, तो ये भी आप इस्तेमाल करके देखिए। तो हमें जितना ज़्यादा मैक्सिमम जो है इस पैंडेमिक में अपने आप को सेफ रखना है। तो दोस्तों यही कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो इसके साथ साथ आपके पास अगर कुछ अलग मतलब कुछ एडिशनल है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और ये सब वीडियो मैं आज क्यों बना रहा हूँ तो उसका रीज़न ये है कि इसके बाद जो हमारे वीडियोस आने वाले हैं, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, लॉकडाउन जैसे जैसे खुलेगा शायद हमें ट्रैवल करने की भी परमिशन मिल जाए, तो कई लोग जो है वो ट्रैवल भी करेंगे बाइक के ऊपर। तो उस समय हमें अपने आप को कैसे बचा के रखना है, क्योंकि कोविड ख़त्म होने के लिए पता नहीं कितना टाइम जाएगा। तो ये कोरोना वायरस से बचने के लिए हम लोग को क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है वो सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी था। उसके बाद ट्रैवलिंग की क्या क्या तैयारी है, अगर शॉर्ट राइड पे कौन सी तैयारी करनी है, लॉन्ग राइड पे कौन सी तैयारी करनी है, तो इस सब के बारे में आगे मैं वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो ये एक छोटा सा मैंने सीरीज बनाया था कि कोरोना से आपको कैसे बचना है। एडिशनल जो है आपके पास वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो लाइक का बटन नीचे है दबा दीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और आगे के वीडियोस आपको देखने हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि आगे के सारे वीडियोस जो है सबसे पहले आपको नोटिफाई हो जाए। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में ट्रैवलिंग की एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।